Thank you. Hello, good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. मैंने आज एक रिसर्च निकाली है क्या कि हंसने के फायदे बड़े पाजी अच्छा हाँ बहुत ज्यादा फायदे हैं संजीवनी बूटी बहुत ज्यादा पाजी बड़ी वाली बूटी ओहो सबसे पहले तो जो आदमी हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता है गर्ल्स लाइक हिम सो मच तो दूसरा फायदा आदमी अगर आधा घंटा जिम करे या एक घंटा हमारा शो देख ले तो सेम आई मीन कैलोरीज बर्न होती हैं तीसरा फायदा जो कपल हंसते रहते हैं हमेशा उनकी जोड़ी बनी रहती है चौथा फायदा हंसना मेमोरी के लिए बड़ा अच्छा है आप याद रखें आप एक्चुअली बाजी ऐसा होता है आपको वो चेहरा जरूर याद रहता है जिसकी शक्ल देख के आप हंसे हो है कि नहीं है तो और सबसे बड़ी बात ये बाजी हंसते हंसते कई लोग मिनिस्टर बन जाते हैं तो मैं हंस तो है कि नहीं और आज हमारे बहुत सारे पुराने साथी आने वाले हैं मतलब लाफ्टर का डबल ट्रिपल ट्रिपल डोज होने वाला है यहाँ पे तो हमारे कुछ पुराने दोस्तों में से एक एक करके मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले तो कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव उनके लिए जोरदार तालियां राजू भैया अरे वाह वही जोश वही उत्साह पाजी आप भी एकदम नहाए धोए एकदम फ्रेश लग रहे हैं मैं बैठ जाऊं आपका शुरू हो गया आओ बैठो चलो ठीक है बैठो अरे 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 राजू भाई के लिए जोरदार तालियां भैया पाजी आ जाएंगे खेल आपको डबल डबल जिम्मेदारी मुबारक हो यू कैन ओनली इन इंडिया एक बात बताओ राजू भाई इतनी इंग्लिश कैसे क्या बोला आपने इंग्लिश में मतलब भाई साहब मैं बोल गया बस बाकी ये संभाल लें आई विल या दैट्स गुड देखिए मेरा तो जिंदगी में एक ही फंडा है मेरा जिंदगी का मलमूत्र यही है मेरा जिंदगी का मूल मंत्र यही है मलमूत्र जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे हम कर लेंगे पाजी आप तो कपिल को इस उम्र से जानते हैं हैं इसको कोई कुछ भी कहे मैं एक बार साफ कर देना चाहता हूँ क्या ये कपिल जो है इतना संस्कारी है आए हाय इतना कल्चर्ड है आए हाय इतना सीधा है ओए होए इतना भोला है ओए होए ये बाथरूम के अंदर टॉवल पहन के चड्डी बदलता है क्या बात है यार जो हंसे अभी देखिए कपिल ने लाफ्टर के बारे में बताया लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन है ना संजीव अभी आप समझी कुछ नहीं वही यूं कर रही हो जो हंसे उसका घर बसे वाह जो हंसे उसका घर बसे कपिल ध्यान रखो हंस ले जरा जो हंसे उसका घर बसे और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे बढ़िया यार साली ने अपने जीजाजी से कहा हाय हाय साली ने अपने जीजा जी से कहा जीजा जी हम पास हो गए हैं मिठाई खिलाइए हम पास हो गए हैं मिठाई खिलाइए जीजा जी हाँ खिला देंगे पहले और पास हो जाओ आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी शौचालय बनाने के लिए बहुत जोर दे रहे हैं तो क्लास में टीचर ने कहा किस किस के घर में टॉयलेट बना है तो सबने हाथ उठाया एक बच्चे ने नहीं उठाया क्यों तुम्हारे घर पे टॉयलेट नहीं बना है नहीं मास्टर जी हमारे घर पे दाल चावल बना है बच्चे ने एक दांत के डॉक्टर से कहा
Yeah. Dental doctor se kaha, doctor uncle, aap aap bina dard ke daant nikal sakte hain? Bina dard ke. Doctor ne kaha, nahi beta, thoda bahut to dard hota hai. Main bina dard ke daant nikal sakta hun. Haan, nikalo. लोग एक चीज बहुत गलत बोलते हैं पाजी हाँ कपिल तू मेरी बात से एग्री करोगे एक चीज बहुत रॉन्ग बोलते हैं लोग बोलते हैं नाम में क्या रखा है भाई साहब नाम में बहुत कुछ रखा है आप सोच के देखिए अगर कैटरीना कैफ का नाम हो सावित्री देवी आलिया भट्ट का नाम हो सत्यवती और कपिल का नाम हो रमा शंकर और सिद्धू का जी का अगर नाम हो अयोध्या प्रसाद आप सोच के देखिए आपको लगता है क्या फिर ऐसे में ये सुपरहिट नहीं होते तब भी होते बाकी तो टैलेंट वही होता तब भी होते लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा होता है अच्छा अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो आपको एक तस्वीर बनेगी उनकी जैसे एक प्रदेश है ऐसा लगता है वो बोलता है अरुणा चल अरुणा क्या बात है थैंक यू एक प्रदेश है ऐसा लगता है हंटर लिए हुए बिना पेमेंट के कह रहा है कर्नाटक कर्नाटक कर कर और अपना देश पाजी इतना अजूबा है इतना प्यारा है चाहे महाराष्ट्र का कोई गांव हो पंजाब का कोई गांव हो बिहार का कोई गांव हो यूपी का कोई गांव हो वहां अंग्रेजी चाहे ना आती हो लेकिन एक शब्द अंग्रेजी में ही लिखते हैं ब्यूटी पार्लर आज तक कहीं भी आपने ये लिखा नहीं देखा होगा ब्यूटी पार्लर को हिंदी में महिला मुख एवं काया पलट जादुई केंद्र दोस्तों कुछ ऐसे शहर हैं अपने देश में ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं उनमें एक दबंगई है एक मर्दानगी है एक गुस्सा है जैसे एक शहर है राजस्थान चित्तौड़गढ़ रणथंबोर विजयवाड़ा भगवाड़ा भटिंडा और छा गया गुरु छा गया अच्छा कुछ हैं ऐसा लगता है उनमें दम नहीं है या तो कमजोर हैं इतने जाड़िया जड़े लोग बीच में एक पतला सा कोई खड़ा है ये कौन है ये बरेली इसके पीछे कौन है उरई वो एकदम पतली सी वो परेल पुरी पुणे चुरू उस पीछे कौन है जाड़िया कौन है वो दूसरा काठ गोदाम और वो कौन है खतरनाक खतरनाक चेहरे वाला वो कौन है हावड़ा कोलकाता घाट कोपर नाला सोपारा उसके पीछे तीन महिलाएं एकदम पतली से बैठी हुई है ये कौन है कांदी वाली बोरी वाली पाजी आप तो जी। कपिल को बचपन से आप जानते हैं ही इज अ बिग फैन ऑफ पेट्स डॉग लवर है बहुत अच्छी बात तालियां होनी चाहिए मेरे भी मेरे यहाँ भी पली हुई है फीमेल है अच्छा एली नाम एली एली हाँ अपने डॉग पे दूरी रखना थोड़ा है तुम्हारा मेल है उसको दूर रखना वो है क्रॉकर स्पेनियन कौन सी क्रॉक यार अंग्रेजी में कॉकर स्पेनियल कॉकर स्पेनियल कॉकर स्पेनियल वो खत्म डॉग ही होता है हाँ हाँ खत्म करो क्रोकोडाइल पाला यार वो ठीक तो मैंने ना ये कुछ डॉग्स से बातचीत की अपनी सोसाइटी में अच्छा कुत्तों से बातचीत की कुत्ते एक बात को लेके इतना हैरान है इतना परेशान है किस बात को लेके 100 साल से परेशान है अरे किस बात को लेके कुत्ते वो कहते हैं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है मुझे घर पे खरीद के लेके जाते हैं और बॉल फेंकते हैं और कहते हैं लेके आओ
इसमें एंजॉयमेंट क्या है? फर्स्ट डे खरीद के लाएंगे, फर्स्ट डे आया पहली बार बंगले में आया, वो पूरा घर सूंघ रहा है, घर के फैमिली मेंबर भी सूंघ रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं इनमें से खाना हड्डी वगैरह कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया, गो 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 गेट इट गो, क्या हो गया? गो टॉमी, टॉमी गो, टॉमी टॉमी कौन, टॉमी कौन? मैं अच्छा अच्छा, नाम रख दिया, जिसको रखा उसको तो बताओ। गो टॉमी गो 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 गेट इट, क्या अर्जेंट है क्या? अर्जेंट गो टॉमी, अच्छा पता नहीं इसको मजा आता होगा। गया मुंह से बॉल लिया, दे दिया, उसको लगा शायद एक बार करेगा और ये सेटिस्फाइड हो गया होगा। बॉल देके अब डॉग झाड़ में अपनी बॉडी रगड़ रहा है। इतने में साहब ने फिर बॉल लिया, फिर फेंक, गो गो टॉमी गो, क्या बात हो गई? इधर आ सत्यनाशी, जब तू बॉल मंगाता है तो फेंकता क्यों है? एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा राजू भाई आपको आज इतने दिनों बाद मिलके, बहुत बहुत स्वागत है राजू भाई के लिए, जोरदार तालियां। आज हमारा मकसद यही था कि आज हम बैठ के हंसेंगे, और आज राजू भाई आपने बहुत हंसाया, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। अभी बातें और भी चलती रहेंगी। अब मैं जिनको यहाँ पे इन्वाइट करने जा रहा हूँ, ये फर्स्ट लाफ्टर शो के विनर थे, ये वो लोग थे जो गुमनामी के अंधेरों में थे, इन्हें कोई नहीं जानता था, कोई किसी नाटशाला में काम करता था, कोई कहीं काम करता था, लेकिन उस बड़े प्लेटफॉर्म पे आके यकायक बड़े स्टार हो गए, और घर घर में, हाउस होल्ड में, रसोई घर में, हर जगह चले गए, और सबसे बड़ी बात लोगों के दिलों के अंदर उतर। बहुत बड़ी बात है। अब आपके दूसरे चहेते स्टैंड अप कलाकार, बहुत ही प्यारे इंसान हैं और बड़े ही वर्सेटाइल हैं, और ये फर्स्ट लाफ्टर शो के विनर भी थे। मैंने इनका जब वो पहले बार करेक्टर देखा, रतन नूरा, आप समझ ही गए होंगे, अरे क्या, तो मैं बड़ा मैड हो गया था देख। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील पॉल। भाई हम इधर बैठ जाते हैं। सुनील पाजी आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील पाजी के लिए जोरदार तालियां। पाजी आज मैं वहां पे नहीं बैठूंगा, आज मैं राजू भाई के पास वहां बैठ के आपको एंजॉय करूंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी यहाँ पर बुलाने के लिए, धन्यवाद। सर मोस्ट वेलकम। हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूंगा खत्म पूरा। सिद्धू पाजी, हाँ जी, आज नहीं रहेगा कोई अधूरा। मैं ज्यादातर शराबी की बातें बताने के लिए मशहूर हूँ। शराबी जो होता, कट्टर शराबी, वो उसका कोई धर्म नहीं होता, वो दुनिया में आया ही पीने के लिए। उसका कहने का मैं जीने के लिए नहीं आया, मैं पीने के लिए आया हूँ। उसको आप बताओ शराब के नुकसान बताओ, सुन लेगा। हाँ भाई यार शराब मत पिया कर। क्यों, क्या? क्या नुकसान है भाई? भाई शराब पीने से तबीयत खराब होती है, वेरी गुड। आगे दौलत खराब होती है, वेरी गुड। आगे इज्जत खराब होती है, वेरी गुड। आगे बस हो गया, शराब के नुकसान बता दिए, अभी बैठ शराब पीने के फायदे सुन। और वो टैलेंटेड शराबी इतने फायदे बता देगा, क्या जो समझा रहा था वो बोलेगा दारू मंगा, अभी मंगा। अभी यहाँ पे जितना युवा पीढ़ी देख रहा हूं मैं, लड़कियां ज्यादातर बेरोजगार को पसंद करती है। अच्छा, बेरोजगार लड़का उसको बहुत पसंद आएगा, कितना ख्याल रखता है मेरा।
मैं जब भी फोन करूं फौरन मेरे पास आ जाता है मुझे बिल्कुल मैं जब भी कोई फोन करूं वो मेरा फोन उठा लेता है बहन उसके पास कोई काम ही नहीं है वो तो शादी के बाद पोल खुलती है कि सचमुच किसी काम का नहीं है बेरोजगार एकदम और अभी जो नोटबंदी हुई थी पाजी याद है ना आपको हाँ हाँ बिल्कुल याद है कैसे भूल सकते कैसे भूल सकते बिल्कुल तारीख थी 8 हिल गया था मार्केट सब लोग लाइन में लगे थे वो एक कहावत थी ना लोग बोलते थे यार नोटबंदी से पहले घर का बुजुर्ग बोलता था मेरे घर को पता नहीं किसकी नजर लग गई 8 बच्चे हैं कोई लाइन से नहीं पीएम साहब ने ऐसा अनाउंसमेंट किया सारे लोग लाइन में लग गए सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं और सबके मिक्स रिएक्शन कोई कह रहा है अच्छा हुआ वेरी गुड अच्छा बिल्कुल अच्छा हुआ मैं तो कहता हूं कि यस 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 कोई ऊपर से उनके जख्मों में नमक छिड़कने के लिए मीडिया पहुंच गया अब वो समझ गए कि मीडिया सामने तो थोड़ा एडजस्ट भी कर रहा है नहीं ऐसी बात नहीं पीएम साहब ने अच्छा किया क्या बात है ये सब हो रहा है हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए भक्त जनों भावनाओं को समझो क्या बात है बहुत बढ़िया सुनील भाई बहुत 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 बढ़िया थैंक यू सो मच और अब मैं जिनको इनवाइट करने जा रहा हूं इनका बड़ा अनोखा अंदाज है जैसे सुनील पाजी हैं ये वर्ड प्ले बड़ा अच्छा करते हैं कैरेक्टर्स बड़े अच्छे करते हैं राजू भाई की ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी है वैसे ये एक ऐसे कलाकार हैं ये कुछ ऐसा करते हैं कि मजा बड़ा आता है और वो जब यहां पे आके करेंगे आपको बड़ा मजा आएगा ये इनकी कॉमेडी में स्टायर भी होता है और बड़े मजेदार तरीके से सुनाते हैं बड़ा अच्छा अंदाज है इनका तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मिस्टर एहसान कुरैशी कैसे थैंक यू वेलकम कैसे हो एहसान भाई वेलकम आशीर्वाद है सर आपका हम आपको सामने बैठ के देंगे आइए सुनील भाई आइए आपके लिए स्टेज आपका है शुक्रिया मेरा नाम है एहसान कुरैशी बातें करता हूँ कैसी कैसी मीठी मीठी बातों में सबको फंसाता हूँ और कपिल के साथ सिद्धू जी को भी हंसाता क्या बात कविता समाप्त हो गई है आप लोग भी तालियां बजा सकते थैंक यू कपिल पाजी आपने तो वो झंडे गाड़े हैं कॉमेडी को इंडियन कॉमेडी को उस स्तर पे ले गए कि पीछे पीछे हमारे भी डब्बे चलने के लिए सो स्वीट थैंक यू सर वाह वाह सही बात है सर जब यहाँ मैं आया तो सिद्धू जी 10 साल के बाद मुझे देखकर खुश हुए और मुझे आशीर्वाद दिया 2 लाइन में मेरे समझ में नहीं आया सिद्धू जी मुझे देखते ही बोले एहसान कुरैशी खटाक ठोको पाजी के जितने बॉडी गार्ड है सब मुझे ठोकने लगे और सिद्धू जी बोले वो मत ठोको ताली ठोको फिर सिद्धू जी ने मेरी स्टाइल में 2 लाइन कहा एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो ये दुआ दीन हो हाँ एहसान कुरैशी तुझे सर्दी हो ना खांसी हो तेरा घर स्वर्ग बने वो तू स्वर्गवासी हो अब मेरे समझ में नहीं आई ये दुआ थी के बददुआ तो कैमरामैन जितने भी हैं उनको प्रणाम करता हूँ और बता दूं दुनिया में सबसे अच्छा कैमरामैन कौन होता है जिसको बचपन से दूसरे के घरों में झांकने की आदत बहुत ईमानदार जमात है सर पढ़ मैं रहा हूँ और ले किसी और की रहे
सोनी सब टीवी पे मेरा एक शो आया, हम आपके घर में रहते, एक साल चला सर, पैकअप हुआ। तो मेरी पत्नी बोली पिताजी की याद आ रही। मैंने कहा ससुर जी के दर्शन मैंने भी नहीं किया हूँ, चलो चलते हैं नागपुर का ससुराल। हम नागपुर गए, पत्नी साथ में, बेल दबाया, ससुर जी निकले, बोले आओ दामाद जी, फुर्सत मिल गई पूरे दो साल के बाद। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है ससुर जी, लोग अवार्ड वापस कर रहे हैं, पुरस्कार वापस कर रहे हैं, मैं सोचा मैं भी ट्राई मार के देख। बहुत बढ़िया कैमरा मैन अभी भी लगा हुआ है। ये भगवान के बाद ऐसी जमात है जो सर सबको एक नजर से ही देखती है। इनके सामने कोई छोटा बड़ा नहीं। अच्छा महिलाओं को देख के तो ठीक है, पुरुषों को भी देख के आंख दबा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आ जाओ भाई, आइए, आप सबका स्वागत है। आइए राजू भाई, इन तीनों फनकारों के लिए जोरदार तालियां। बहुत अच्छा लगा भाई आप सबसे मिलके, प्लीज बैठे भाई। आपका राजू श्रीवास्तव नाम पहले तो नहीं था, श्रीवास्तव चलो आपका सरनेम है। राजू मेरा घर का नाम है। अच्छा हाँ, ये मैंने रखा नहीं जानबूझ के। राजू मेरा बोलने का नाम है, मोहल्ले का नाम है, दोस्तों वाला नाम है। और स्कूल में मैं गया हूँ स्कूल, सत्य प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा। इसको हटा दिया, मुझे वकील लगता है। सत्य प्रकाश राजू ठीक है। चल भाई आपका कोई निकनेम नहीं है? नहीं, मेरा नाम सुनील पाल। एक ही नाम है। देखा भाभी आपको बुलाती हैं तो कुछ और नाम से बुलाती हैं। हाँ वैसे एजी वो क्या बुलाती बताओ? एजी अबे गधे। नहीं सीरियसली क्या क्या बोलती हैं आपको? असल में ये राजू भाई के घर का नाम है। राजू भाई की यहाँ पे वाइफ भी मौजूद है। जी जी। अरे भाभी एक छोटा सिंपल सा सवाल है, पूरी दुनिया को हंसाते हैं तो, इतने हरफन मौला कलाकार हैं, आपको हंसाते हैं घर में, एंटरटेन करते कि नहीं? कभी किया है? राज की बात है। घर में पेमेंट नहीं मिलता। पर बहुत अच्छा लगा आप भी यहाँ पे आई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो मुझे आपका निक, घर का मुझे प्यार से वो सोना कहती है, काला सोना। इनको देखिए फोटो कॉन्फिडेंस। वो मुझे सोना कहती है, मैं उन्हें तित्तू कहता हूँ। आप क्या कहते हैं? तित्तू। ऐसे क्यों? उनका नाम तो कुछ मैं और उनको है। तितली कहता था पहले। अच्छा अब घर पे अच्छा नहीं लगा बच्चों के सामने, सबके सामने तितली कहाँ जा रही हो। तितली कहाँ। तो मैं तित्तू कह देता हूँ। राजू भाई आपने, सुनील भाई आपने, अहसान भाई आपने, आपने आपने बहुत मेहनत की है। आप नागपुर से हैं, आप भी नागपुर से हैं, आप कानपुर से हैं। अच्छा पुरपुर तीनों में लगा हुआ है ना? पुरपुर लगा हुआ, लेकिन सर तुम्हारे पास ही है, अमृतसर। अरे सुनो भाई। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे पूछना है एक्चुअली, ये क्वेश्चन है राजू भाई के लिए और अहसान भाई के लिए। हाँ वो इसलिए ये क्योंकि सुनील भाई और मेरे में एक सिमिलरिटी है, इन्होंने भी एक फिल्म प्रोड्यूस की, दो की। हाँ और मैं भी एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, एक हिंदी। तो सुनील भाई ने भी फिल्में प्रोड्यूस की। यस हमारी वाली भी आने वाली है। आपको नहीं लगता कि बीइंग ए स्टैंड अप कॉमेडियन आप दोनों की तरक्की कम हुई है? देखो तुम्हारी जो फिल्म बन रही है जी वो तो आएगी। हाँ तब देखेंगे। राइट और इनकी दो मैं देख चुका हूँ। तो मैं बात है जी। तो मुझे लगता है हम लोग जाए वहाँ, ठीक है। बहुत बहुत मजा आया आप तीनों से मिलकर। कपू शर्मा व्हाट्सएप। सिद्धू जी मान गए,
गीत गाया आप, कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन, मजा आ गया सिद्धू जी देख के। लेकिन सिद्धू जी आपको बताया, हमारे गांव में हम भी इलेक्शन लड़े। अच्छा? हाँ हाँ, और आपको जान के खुशी होगा हमारा चुनाव चिन्ह क्या है। क्या क्या क्या? हमारा चुनाव चिन्ह है चिन्ह 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 ठुड्डी ठुड्डी। लेकिन क्या है कि हमारा डबल चिन्ह है ना, तो एक हम भाई को दे दिया, वो भी लड़ लिया हमारे साथ ही। लेकिन बड़ा दुख का बात है सिद्धू जी, हम हार गए। अच्छा? लेकिन चार वोट का क्या कीमत होता है उस दिन हमें पता चला। तो आप चार वोट से हारे? नहीं नहीं, हमको चार वोट ही मिले। और हमें यह समझ में नहीं आया कि हमको चार वोट कैसे मिले। हमारे परिवार में, फैमिली में ही 16 लोग हैं, जिसमें से 12 तो इंसान इंसान है। बाकी चार कौन है? बाकी तीन भाई से एक तेंदुआ है। बढ़िया। एक मिनट, भैंस तो चलो दूध देती है, तो तेंदुआ मतलब क्यों रखा आपने? नहीं, भैंस कभी कभी दूध नहीं देती है तो तेंदुआ डराता है। तब दूध आता है। लीजिए, कॉमेडी का धुरंधर लोग आए हुए हैं। बस आ गए, बस ना मजा आ गया आप लोगों को देख के। नमस्ते अहसान जी, नमस्ते सुनील जी, और नमस्ते राजू श्री वास्तव में यहाँ आए हुए हैं, यकीन नहीं हो रहा है। वास्तव में आए। राजू जी एक बात बताइए, आपको ऐसा रिस्पेक्टफुल इज्जत से कोई अगर ऐसा बात करता है तो कहता होगा श्री राजू श्रीवास्तव। देखिए, श्री राजू श्रीवास्तव मतलब एक श्री के साथ दूसरा श्री फ्री 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 फ्री। ये आदमी की स्पेशलिटी बहुत है भाजी। क्या? चारा खा के कंपोस्ट खाद जनरेट करते हैं। ओ कमाल की बेकार बात की है यार। हमारा ये स्पेशलिटी है ही नहीं। तो क्या है? अब हम आपको अपना स्पेशलिटी दिखाने जा रहे हैं। Are you ready? Ready! Hey! देखिए लेडीज, अपने आप को काबू में रखिएगा। स्टेज पे कोई नहीं आएगा, उधर ही बैठिए। Are you ready? Okay, 1, 2, 3! शुक्रिया शुक्रिया। घमंड नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप लोग जैसे मजाकिया लोग हैं ना, हम तो अपने गांव में क्या मजाक करते हैं, जैसे जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स, जोक्स पे जोक्स सुनाते हैं। लोग पागल हो जाते हैं, ऐसा भीड़ जमा होती है हमारे जोक सुनने के लिए। हमने अब डिसाइड कर लिया है क्या कि 8 लोग के नीचे होंगे तो हम जोक नहीं सुनाएंगे। इतना क्राउड तो चाहिए, भीड़ भाड़ चाहिए, उसके बिना जोक्स नहीं जमता है। और आजकल तो हमारे जोक्स लोग फ्री में भी सुनने आ जाते हैं। हाँ, हमारे जोक्स सुनने के लिए पैसे नहीं मांगते। अब जोक्स सुनने के पैसे कौन मांगता है? सिद्धू जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह। देखिए आदमी कैसा सवाल पूछ रहा है, जोक्स सुनने के पैसे कौन मांगता है। मिनिस्टर बन गए, ऐसा डायरेक्ट थोड़ी ऐसा बोलते। जोक तो आपने काम है, जोक बड़े आते सुनाया तो है नहीं कोई। सुना देंगे, मजा बहुत ज्यादा आ जाएगा। अरे बोलेंगे तो मजा आएगा। अब आप कह रहे हैं तो सुना देते हैं। हाँ। सुना दे। यस, खत्म करो सुना के। चलिए सुना देते हैं। देखिए अगर हमारे जोक की वजह से हंस हंस के आपका कोई ऐसा ना कैजुअलिटी हो गया यहाँ पे तो हमारा जिम्मेवारी नहीं है। तो लीजिए पेश करते हैं जोक। एक बार एक हाथी और तेंदुआ, तेंदुआ हमारा फेवरेट है, हमको हर जोक में ऐसा डालना ही होता है। एक बार एक हाथी और तेंदुआ एक बार थोड़ा सुना रहे सुना रहे। एक बार एक हाथी और तेंदुआ फिल्म देखने जाते हैं। थिएटर में बैठते हैं, फिल्म शुरू होता है, दोनों सो जाते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि फिल्म का नाम होता है सोले। वाह। ओले। मर मत जाना हंस के, हंस के सारे नारियल गिर गए तुम्हारे ऊपर। हम बोले थे बहुत फनी वाला जोक है। अरे यहाँ पे क्या करने आए, बता नहीं रहे आप? फनी जोक है। वैसे तो हम दूध सप्लाई का काम करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि धुरंधर लोगों को देख लिए तो हम सोचे कि एक शो के लिए कुछ बुक वुक कर लेते हैं ना भाई, आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो।
वैसे सुनील पाल जी, हमारा ना गांव में क्या है कि हमारा एक भतीजा है, अगले हफ्ते उसका मुंडन है, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप आएंगे? जहां माल वहां पाल। मैं तो किसी भी प्रोग्राम में आ जाता हूँ, मेरा कोई घमंड नहीं है, सिर्फ पेमेंट है। लेकिन वो कैंची उस तरह सब आप खुद लेके आते हैं? वाह वाह, मजाक कर रहे हैं। ये जोक्स था। ऐसे नहीं, वैसे क्या, कौन सा भतीजा, हमारा भी शादी नहीं हुआ है, भतीजा कहाँ से आएगा? शादी से भतीजे का क्या लेना? अरे शादी नहीं हुआ तो भाई नहीं तो भतीजा नहीं। भाई का शादी से क्या लेना? अरे भाई होगा तो शादी करवाएगा ना। एक रिश्ता तो कायम करेगा ना, भाई का मदद तो चाहिए ना। पिताजी की शादी तो हो गई ना? हाँ जी, पिताजी की शादी हम पूछे नहीं है। वाह। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बधाई हो। नहीं नहीं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छा है कि आपका सरनेम कुरेशी है, बाय चांस अगर फरामोश होता तो बिना कुछ किए आप एहसान फरामोश हो जाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई कारण ही नहीं। और एक बात बताइए, सलमान के साथ आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम है क्या? सलमान खान, वो कहते रहते हैं कि मुझ पे एक एहसान करना, मुझ पे कोई एहसान ना करना। तो एहसान ना करे तो क्या करे सुनील पाल? क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप? आपको पता है ना ये सब कितने बढ़िया बेहतरीन स्टैंड अप कलाकार हैं? हाँ तो बैठे क्यों पर स्टैंड अप? नहीं 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 नहीं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जोक्स है। नहीं, चलिए चलते हैं। नमस्ते, बहुत खुशी हुआ आप लोग से मिलकर। सिद्धू जी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन। चलिए मुलाकात होगी। जैसे अलग अलग जगह पे कॉमेडी शोज होते रहते हैं, आप सब लोगों ने ढेरों सारे शोज किए हैं, मजा तो आता है शोज में, लोग भी इंजॉय करते हैं, आप भी इंजॉय करते हैं, कभी कोई ऐसा शो हुआ है कि आपको लगा हो कि यार फंस गए हम, कहाँ आ गए हम? एक बार तो बिल्कुल अजीब हुआ। पहले तो मोबाइल वगैरह जब नहीं थे और एग्रीमेंट नहीं होता था, ऐसा कुछ नहीं, खाली फ़ोन पर बोलते थे 12 तारीख जुहू 8:30 बजे पहुँच जाना। हम लोग ऐसे पहुँच जाते थे टैक्सी लेके। तो एक 5-स्टार होटल में शो था, टैक्सी रोकी, जैसे अरे अरे ओहो राजू श्रीवास्तव आ गए, ओहो वो तो कॉमेडी करे, अच्छा अच्छे थे, कॉमेडी करो, अच्छा और भैया सुन साइलेंस हो जाओ, वो देखो हंसा हुए बहुत अच्छा, माइक दे, ताली बजाओ माइक दो, हंसा दे बहुत चोखो हंसा हुए भैया, बहुत अच्छा हंसा है। मैंने कुछ हंसा है, कुछ प्रोग्राम वाम हुआ, उसके बाद निकला, एक गिलास पानी पिया, एक दो लोगों ने फोटो वोटो खिंचाई, बाहर निकले तो एक हमारा इवेंट वाला ऑर्गेनाइजर, कहाँ थे यार तू, कहाँ थे, मैं परेशान हूँ, कब से ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ थे, पार्टी ने पेमेंट रोक लिया है, तुम अब आ रहे हो आने का टाइम, तो अभी से अमिताभ बच्चन बन गए हैं, ये आने का टाइम है? मैंने कहा मैंने तो अभी प्रोग्राम किया है। कहाँ किया है? हमने कहा वो ग्राउंड फ्लोर में। अरे अपना 5 माले पे ऊपर। बढ़िया बढ़िया, तो कहाँ प्रोग्राम करके आ गया? पता चला मैं दूसरी जगह प्रोग्राम कराया। तो ये भी हुआ, एक बार तो कमाल का एक फैन मिला जी, चाहने वाला, लखनऊ में, राजू भैया पहचाने? हमने कह नहीं, मैं यार ध्यान नहीं आ रहा। जैकेट पहचाने? हमने कह नहीं। 3 साल पहले आपका एक शो हुआ था इलाहाबाद में, त्रिवेणी महोत्सव, आप आए थे। मैंने कहा हाँ, आपकी जैकेट चोरी हो गई थी। मैं बोला हाँ। मैंने उससे पूछा कि क्यों चुराया जी, तो कहने लगा निशानी। कभी ऐसा भी हुआ कभी शो सुनील भाई स्टेज पे चढ़े नर्वस हो गए, कुछ भूल ही गए हो? अक्सर होता है शादी के शो में, फंक्शन में क्या होता है, पूरे फैमिली के साथ लोग बैठ रहे थे, बुजुर्ग भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, वो महिलाएं भी बैठी जिन्होंने कभी जिंदगी में शो नहीं देखा, वो बेचारी बस सजा सवार के बिठा देते हैं उनको कि भैया आपको किसी आर्टिस्ट को सुनना है, और हमसे पहले उन्हीं के परिवार के लोग परफॉर्म करते हैं। जब तक मेरा टर्न आया सब तक खत्म हो चुका था मामला, सब खाने पीने निकल गए थे, तो मुझे चेक दिया, वो बाउंस हो गया। अच्छा, उनका यार चेक तो बाउंस हो गया,
बोले भाई तेरे जोक भी तो बाउंस हुए थे। एक बार मुझे एक पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली फैमिली थी राजस्थान की, वो सारी महिलाएं उनकी डेढ़ डेढ़ फुट का घूंघट किए बैठी हुई और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे। हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। मैंने कुछ सुनाना शुरू किया, अब मैं कैसे कहूँ कि ये ढक्कन खुलवाइए। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग इंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता था उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश हैं। अच्छा वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए, कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है, बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? बढ़िया है, बहुत हंसी आ रही है। हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है। एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, और हंस रहे हो, हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया है, वाह वाह, चलो जाओ, चलो उठो, तुम लोग जाओ बैठे जाओ, खानो खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए, अब बोला अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और सिद्धू भाजी, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। मुजरा देख रहे हैं। मुजरा देख रहा है। और उनका बेटा बहुत लाडला था, वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था, तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो मैं वो ऐसे सुन रहे हैं और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो। आगे जाके अंकल ये कब तक सुनाओगे। अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल। अंकल आप ऐसे ऐसे जोक सुनाते तो क्या होता है। ऐसे जोक सुनाने से क्या होता है। ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अंकल कोई डांस करो ना, कोई अच्छा डांस। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है। 1, 2, 4 मेरे को 20 याद है। 20 अंकल बंद करो ना। क्या बात है। अरे यार सुपर। ये हर स्टेट में जाते हैं लेकिन बंगाली इनके अंदर जो घुसा हुआ है। बहुत अच्छे करेक्टर पकड़ते हैं सुनील भाई। कुछ लोगों का बंगाली में बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो रमेश को बोलेंगे रोमेश और अजय को ओजय ओ डाल देते हैं। हाँ रमन को रोमन। तो ये जो ओ का जो उच्चारण है उसमें गड़बड़ी हुई कि एक बंगाली भाई को दम्मे का प्रॉब्लम था, वो डॉक्टर के पास में गए, दम्मे का प्रॉब्लम। डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर दा हमको बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है। हमको दोमा है। दोमा है। बढ़िया बहुत बढ़िया वाह। हमको दोमा है। डॉक्टर ने कहा बेटा अगर तेरे को दोमा है तो ये तेरा प्रॉब्लम नहीं है। पापा तेरे बाप का प्रॉब्लम। किसी भी कंपनी में जब एम्प्लॉइज टारगेट पूरा कर लेते हैं तो कंपनी खुश होके उनका एक ग्रुप बना लेती है और उनको खुश होके बोलती कि भाई आपने हमारे कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया, अब तुम अपना फायदा करो, जाओ किसी धार्मिक जगह पे जाओ लाइक गोवा, अगर बजट ज़्यादा तो बैंकॉक चले गए, तो वहाँ लोग जाके इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब डांस वांस कर रहे हैं। यहाँ गाँव में बैठी पत्नी को पता चल जाता है कि वो वहाँ खुश हो रहा है। तो वो पत्नी जो है उसको फोन करती है जब एकदम वो डांस में जरा खड़खड़ के बताता हूँ डांस वांस कर रहा है अच्छा खासा कमान डाल ली। पत्नी को पता चलता है कि खुश हो रहा है, वो उसको एक मिसेज कॉल देती है वो
और समझ जाते कि ये खुश हो रहा है, तो सात समंदर पार भी पति की खुशी देख लेती है, ऐसी पत्नी की नजर को मैं कहता हूँ वाईफाई। वाईफाई। वाह वाह। अभी अच्छा खासा डांस कर रहा है, पत्नी का फोन आ गया। घंटी बज रही, फोन में खुद आके वाइब्रेटर पे, सारे भगवान याद आ गए उसको। अरे भगवान यार, फोन काटना तो चाहता है मगर माँ कसम ताकत उसके बाप में भी नहीं। फिर फाइनली किसी एक भगवान को बोलता, गॉड प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। ऊपर से भगवान बोलते हैं, इस मामले में नहीं। बहुत बढ़िया। मुझे गजोधर कैसे मिला? हाँ ये कह रहे हैं आर्टिस्ट आदमी है ना, अंदर से होता है कि मैं अभी क्या कहते, गजोधर कैसे मिला पूछ। राजू भाई आपका वो किरदार है जो कौन सा कौन सा कौन सा गजोधर 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 ये कपिल। जहाँ तक गजोधर की बात है, ये हमारी नानी के गांव में एक बार्बर था। अच्छा। तो वो हम लोग के बाल वगैरह काटने आता था, बकसिया लेके आता था, उसका पूरा दिन होता था। आके सबसे पहले तो बता दिया हम आ गए, फिर बकसिया रख के वो नहाने चला जाता था खुद, कुएं से नहा वहा के कपड़े उपड़े सुखा के शाम को उसका मूड बना था, आओ कौन बाल कटवाएगा, इस तरह टाइप का करेक्टर था, लेकिन स्लो बहुत था। अच्छा। तो जैसे कोई किसी ने उससे एड्रेस पूछा, भाई साहब ये रामलाल कहाँ रहते हैं, रामलाल मतलब रामलाल के यहाँ जाना है, तो कोई काम होगा आपको। राम बढ़िया बढ़िया, ये मतलब वही तो नहीं जिनका जो है शहर में पेट्रोल पंप है। हाँ हाँ वही 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 तो नहीं जिनका लड़का लिफ्ट में छोकरिया के साथ पकड़ा गया रहा। अरे नहीं, अगर इधर से मतलब जाएंगे तो यहाँ तो लंबा गिरेगा, इधर जाएंगे तो मतलब जो है रामलाल के यहाँ जाना है। चलो हम खाली बैठे, हम ही छोड़ के आते। टाइम बहुत होता है। बचाओ बचाओ मुझे, अरे बचाओ बचाओ। एक गुलाब तो ले लो। ओए हेलो, तेरे पास गुलाब का फूल कहाँ से आया? एक मिनट गुलाब छोड़, तू इधर कैसे आया? इधर से आया फिर आ गया। प्लीज नहीं यार, समझाओ इसको। मैंने कहा था ना मेरे साथ फ्लर्ट करती रहो, मैंने छोड़ दिया ना, वैसे लोग मिल रहे हैं अभी, झेलो। चलो बात कर रहे हो इधर, हेलो तो करो। अरे हेलो सर। हेलो एहसान भाई। राजीव। सुनील भाई। राजीव प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। खुश हो? अच्छा इसमें और सोमवार में एक ही सिमिलैरिटी है क्या? क्या, क्या? हर बार लगता है कि ओहो फिर आ गया। यार वाह। नहीं नहीं पर मैं बताता हूँ, वो तुम्हें लग रहा है ऑफिस वालों के लिए। हाँ। जो कॉलेज के लड़के लड़की है ना उनसे पूछो, जिनका आपस में टांका होता है वो सोचे रहते हैं सोमवार नहीं आया यार। फर्क है। प्लीज कपूर इसको समझाओ ना, वो कब से हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गई है। यही तो प्रॉब्लम है, हाथ धो के बड़ा, मुंह धो के बड़ा होता ना शायद तेरी बात बन जाती। या पर अच्छी बात है ना, हाथ धो के पीछे पड़ा तो हाइजीनिक फ्लर्ट कर रहा है और क्या। ओह गॉड यार ये कमाल है, ये मुझे दिल में नहीं आने दे रही, तू मुझे शो में नहीं आने दे रहा, मैं क्या जंगल में चला जाऊं? अच्छा नहीं आने दे रहा, नहीं आने दे रहा, बोल बोल के ना 5-6 तो कर ही गया एपिसोड। सुनो मैं शरीफ घर की लड़की हूँ, ये सब मेरे साथ मत करो ठीक है? तो मैं कौन सा जेल में पैदा हुआ हूँ? एक काम करो, शादी करके मुझे शरीफ घर का दामाद बना लो। कप्पू इसको समझाओ ना। मैं 10 साल से समझा रहा हूँ कि कोई और धंधा कर ले, मानता ही किसी की। आप तो कुछ नहीं करता, खिलाऊंगी क्या तुम्हें? शादी के बाद मुझे खिलाना पड़ेगा? IPL ये करती है, कपिल ये करती है,
प्यार क्यों नहीं करती है? थोड़ा सा राजू भाई, क्या बड़े भाई हो, इधर आओ। हाँ हाँ, मुझे बताओ लड़की पटाते कैसे हैं? अच्छा पटाना है, ये थोड़ी सी हेल्प कर दो। अरे मैं लड़की को मनाते कैसे? हाँ हाँ, मनाना है बहुत सिंपल बा भाई। हाँ मुझे बता दो फटाफट। सबसे पहले का ऐसा करो, ऐसे तो नहीं, अरे ये तो हम ऐसे ही खुजा रहे हैं। ऐसा करना नहीं तो करिया, मतलब पटाना है। हाँ। अरे बहुत आसान बा। कैसे? छोकरिया को मनाना बहुत आसान बा, खाली ये ऐसे करो। हाँ? ऐसे करो, ये किया और पैर पर मान जाओ, हम भी बन जाओ, हम अपना बस। भाभी आई नहीं, ऐसे मत करो। अरे हमारी ऐसे ही भाई है। भाई आप बता दो प्लीज। आ जाओ। मैं क्या करूं एहसान भाई, वो तो अपना लाइन बनाने पे लगे हुए हैं। देखो दिल जीतने वाला शेर बोलो। अच्छा। जैसे एक शेर बोलता हूँ, आज का मौसम बहुत रंगीला है। आज का मौसम बहुत रंगीला है, इनका ड्रेस और इनकी पगड़ी का रंग पीला। देखो देखो की सेटिंग की मेरी नहीं, नहीं ये मैचिंग तो उधर हो रहा है लेकिन काम तुम्हारा ही होगा। देखो शेर सुनाओ कि दिल दे दिया है जालिम तुझको, दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, चश्मा लगा के देख। उधर अपील करो ना, वो LBW ये मैं अपील करूं। दिल दे दिया है जालिम तुझको, चश्मा लगा के देख, वो फिर भी यकीन आए तो एक्स्ट्रा करा के दे। रजीव तेरे लिए एक और शेर अर्ज किया है। हाँ। अर्ज है मोहब्बत तो इजहार खुले आम कर। ठीक है मोहब्बत, ठीक है मोहब्बत तो इजहार खुले आम कर, मेरा कुछ नहीं होने वाला, जा अपना काम कर जा। फालतू में ऐसे। अभी मेरी बात है, कभी खुशी कभी गम करते हैं। वाह वाह। सिद्धू जी इन दोनों मिलकर मेरी नाक में दम करते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात। आज गालिब यहाँ बैठे होते ना, कसम से उठ के चले जाते वो। अच्छा पाजी एक मेरे दिमाग में ऐसी बात आई, जैसे राजू भाई हैं ये सब लोग, सुनील पाजी हैं, एहसान भाई है, ये बड़ा मजेदार स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर ये फिल्मों में होते रोमांटिक हीरो जैसे शाहरुख भाई हैं, भाई हमने आपको कभी ऐसे रोमांसेस करते नहीं देखा। रोशेल इतनी ब्यूटीफुल लड़की, यहाँ पे हम आपको माहौल देते हैं, लाइटिंग देते हैं, आपको जो आपका दिल करे शाहरुख भाई के स्टाइल में। ओके तो जो आपका दिल करे रोमांटिक डायलॉग। अच्छा शाहरुख भाई का भाई, हमने इतना खर्चा करके पत्ते उड़वाए, आप थोड़ी देर शाहरुख खान बीच में आप शशि कपूर साहब बन गए थे। पर राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। वाह वाह। आई आई सुनील भाई। हाँ जी भाई। सुनील भाई वैसे बहुत ही धार्मिक है। अच्छा सो आपने भी थोड़ा सिखाना है इनको, धार्मिक मीन स्पिरिचुअल। कम ऑन बेबी, यू नेवर अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। ओके सो कैन वी हैव द ट्रैक प्लीज। आइए अभी एहसान भाई की बारी है। एहसान भाई आइए, दिल के अरमान से। वाह। पहले डायलॉग सुनना है। पहले डायलॉग, ये पहले डायलॉग ठीक है। बड़े बड़े शहरों में तो छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं।
ऐसे फैला के पत्ते उड़ा दो पत्ते। अहसान भाई, थैंक यू राजीव भाई, सुनील भाई और राजीव ठाकुर के लिए और रोशनी के लिए, आई जस्ट लव यू बेबी डॉटरी कम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेबी, आई लव यू, हेलो ओए तू, थैंक यू राजीव, इधर चले जाओ, ये बार बार आ जाता है उधर से ना, इसको इधर ही रखते हैं, चल इधर ही चलते हैं। बाजी, हाँ। आपसे दो चार आवाजें जरूर सुननी है जाते जाते, बहुत अच्छा माहौल बना आप सबने, जोरदार तालियां हो जाए इन फनकारों के लिए। इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं एक सेल्फी आपके साथ ले लूं। जी अहसान भाई, जी जी आप छुप जाइए, आपका चेहरा आ रहा है। थैंक यू जी, कुछ आवाजें पेश कर रहा हूं। अरे क्या आवाज है, जावेद अख्तर साहब, जावेद साहब इस कार्यक्रम के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ भेजी है अपने अंदाज में, किस तरह से भाई, देखिए जहाँ तक मेरी मालूमात है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, इससे पहले भी बहुत सारे शोज आए थे जो हंसा है। उन शोज में हंसी थी, मजाक था, सताया था, मारे थी। लेकिन यकीन मानिए जो अलग बात है, शो में है वो मैं ना सकती। क्या बात है, क्या बात है, एक बहुत ही अलग बात इस शो में हमने देखी और उस अलग बात का नाम है सिद्धू साहब। एक और हमारे पुराने कलाकार जो मेरे बहुत ही फेवरेट है, राजेंद्र कुमार साहब। वाह, राजेंद्र कुमार साहब, उनकी आवाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज के कलाकार की तरह अगर वो भी अपना गाना खुद गाते तो कैसे गाते हैं? ए फूलों की रानी, ए फूलों की रानी बहारों की मलका, ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। क्या बात है, ए फूलों की रानी बहारों की मलका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया, ना हम होश में है ना दिल होश में। ना हम होश में है ना दिल होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। सिद्धू साहब, ये हम थे जो कह गए, ये आप थे जो सह गए। अरे वाह यार, वाह वाह। एक और मेरे बड़े फेवरेट विलन है रंजीत साहब जी। अब रंजीत साहब का अपना टिपिकल स्टाइल था लड़कियां छेड़ने का, आई लव यू बेबी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, I love you, baby. जब से तुम्हें देखा मेरी निगाह तुमसे हटती नहीं है, I love you, baby. तो लड़की ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, शादी करना कौन चाहता है। फिर उसकी माँ ने कहा अगर मेरी बेटी को हाथ लगाए तो अंजाम अचाने को, बुढ़िया I love you, baby. Thank you, thank you, thank you. So, आप सब लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अपने आसपास सफाई रखें, ऐसा ना करें, हम अभी सफाई करा के ही जाएंगे। और देखते रहें द कपिल शर्मा शो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।